गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम मिस्टर परीक्षित राणा, योर इंग्लिश टीचर। वेलकम यू ऑल इन माई यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अवर पोएम नंबर 1, अ फोटोग्राफ रिटन बाय सरली टॉल्सन। इट इज द पोएम ऑफ 11th इंग्लिश, टेकन फ्रॉम द बुक हॉर्नबिल। आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी लाइन। सो लुक हियर, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज वेन द टू गर्ल कजिन्स वेंट पैडलिंग, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स, एंड सी द बिग गर्ल सम 12 ईयर्स और सो। सो हियर सरली टॉल्सन सेज दैट वंस अपॉन ए टाइम देर वॉज वन एल्बम इन द हैंड ऑफ हर, एंड सी वॉज लुकिंग दैट एल्बम मेड अप ऑफ कार्डबोर्ड, एंड इन दैट एल्बम दिस वॉज द फोटोग्राफ। What she says, when the two girls' cousin went paddling, each one holding one of my mother's hands. So by holding the hand of the mother of Sally Tolson, the two cousins paddling means walking. So the two girls are here, the left one and the right one, holding the hand of the mother of the Sally Tolson, moving on the beach. And see the big girl. Here see, this see word is used for the mother of Sally Tolson. And at that time she was 12 years old. Okay? So यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि उसकी मदर के साथ ये जो दो कजिन है वो यहाँ बीच पर घूमने के लिए गई थी, और जब वो घूमने के लिए गई थी तब उन दोनों कजिन ने उनकी मदर का हाथ पकड़ा हुआ था। ये सब कहाँ पर दिख रहा है? ये सब एक फोटोग्राफ में सरली टॉल्सन देख रही है। नाउ द नेक्स्ट फ्यू लाइन्स, ऑल थ्री स्टूड स्टिल सो स्माइल थ्रू देयर हेयर at the uncle with the camera, a sweet face, my mother's, that was before I was born, and the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient feet. So she says that the poet describes how the photograph was taken. Her mother's uncle, this is the uncle, her mother's uncle took the photograph and told them to stop and pose. All three of them left their hair wet, open, and smiled at the camera. So at that time when the uncle was taking the photograph, at that time Sally Tolson explained about the sweet face which is looking in the photograph of this. A sweet face, my mother's. So my mother's face was looking very sweet at that time, before when she was 12 years old and when the uncle was taking photograph. That was before I was born, and at that time I was not born because mother herself was 12 years old. And the sea, which appears to have changed less. So Sally Tolson says that the sea does not change, but the feet, which was washed by the sea water, now change. यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि ये जो feet थे, ये जो feet है वो अब change हो गए है। कहने का मतलब कि ये सारी girls बड़ी हो गई है, या तो एक्चुअली उसकी मदर अब नहीं रही है,
तो कहने का मतलब है ट्रांजिएंट मीन्स टेम्पररी. सो टेम्पररी मीन्स लाइफ इज नॉट परमानेंट, इट इज ऑल्सो टेम्पररी. एवरी वन विल डाई वन डे. सो द सी रिमेन द सेम बट द लाइफ चेंज, द फीट चेंज. ओके नाउ नेक्स्ट फ्यू लाइन्स. सम 20-30 ईयर्स लेटर सी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट. स्नैपशॉट मीन्स हियर फोटोग्राफ. नाउ द मदर आफ्टर 30 ईयर्स द मदर ऑफ द सर्ली टॉल्सन इज लुकिंग द फोटोग्राफ. 30 ईयर्स के बाद उसकी जो मदर है वो अब फोटोग्राफ देख रही है, और फोटोग्राफ देखने के बाद वो क्या एक्सप्लेन कर रही है. इट इज गिवन हियर. सी बैटी एंड डॉली. सो दिस टू आर द नेम ऑफ बैटी एंड डॉली आर द नेम ऑफ द कजिन ऑफ द मदर. सी वुड से उनकी मदर कह रही थी फोटो देखते वक्त, लुक हाउ दे ड्रेस अप. सो सी वॉज एक्सप्लेनिंग समथिंग अबाउट द ड्रेस अप ऑफ द टू कजिन्स. द सी होलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर. वॉट सर्ली टॉल्सन सेज अस दैट द सी होलीडे वर द पास्ट वॉज द पास्ट ऑफ हर मदर. ये जो सी होलीडे थे वो उसकी मदर का पास्ट बन चुका है. एंड माइंड इज हर लाफ्टर. मेरा पास्ट क्या बन चुका है, माइंड पास्ट इज हर लाफ्टर. बोथ दिस इज द न्यू वर्ड WRY मीन्स राय. राय मीन्स डिसअपॉइंटेड. सो बोथ डिसअपॉइंटेड विद द लेबर इज ऑफ लॉस. बोथ हियर बोथ वर्ड इज यूज फॉर द मदर एंड द सर्ली टॉल्सन. सो दे वर्क हार्ड बट दे कुड नॉट सेव देयर लाइफ और द मेमरी. सो ये लास्ट लाइन में कहने का मतलब यह है कि उसकी मदर जो थी वो अपने बचपन को बचा नहीं सकी, और सर्ली टॉल्सन उसकी मदर को बचा नहीं सकी आफ्टर वर्किंग हार्ड. सो नथिंग इज इन अवर हैंड, एवरीथिंग इज इन द हैंड ऑफ द गॉड. एंड लाइफ इज नॉट परमानेंट, एवरी वन विल डाई. द वन हु टेक्स बर्थ इज डेफिनेटली डाई. सो द मदर ऑल्सो डाइड. नेक्स्ट फ्यू लाइन्स. Now, she has been dead nearly as many years as that girl lived. So that girl was 12 years old. So Shirley Tolson wants to say that now 12 years passed away. तो वो गर्ल जितने ईयर्स की थी, वो 12 साल की थी, उतने ही साल अब मेरी मदर को गए हुए, उनकी डेथ हुए बीत चुके हैं. सो 12 ईयर्स पास्ड अवे. एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस, सो इन दिस सिचुएशन देर इज नथिंग टू से एट ऑल. आई डू नॉट वॉन्ट टू से एनीथिंग रिगार्डिंग द डेथ ऑफ माई मदर नाउ. इट इज साइलेंस साइलेंस. नाउ देर इज अ साइलेंस अराउंड माई लाइफ. सो आई डू नॉट वॉन्ट टू से एनीथिंग रिगार्डिंग द डेथ ऑफ माई मदर. ओके सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग दिस वीडियो. द नेक्स्ट चैप्टर वी विल डिस्कस नेक्स्ट टाइम. एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल.